आसिम रियाज चर्चा में है या यूं कहें हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। जब से उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में होस्ट रोहित शेट्टी और क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी की है, मिसबिहेव किया है, तब से ही उनकी थू-थू हो रही है। अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है और ये कहा है कि उनकी स्टोरी बताने का समय आ गया है। मालूम हो कि आसिम और हिमांशी बिग बॉस 13 में मिले थे और वहीं एक दूसरे को दिल दे बैठे। साल 2023 में धर्म को लेकर आपसी मतभेद के कारण इनका ब्रेकअप हो गया था। पंजाबी एक्ट्रेस और खुद बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी हिमांशी खुराना की आसिम रियाज से पहली मुलाकात इस शो में हुई थी। हिमांशी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी क्योंकि उनका शहनाज गिल से अतीत में झगड़ा हुआ था। उन्हें देखकर शहनाज टूट गई थी, लेकिन बाद में हिमांशी की होस्ट सलमान खान ने खूब किरकिरी की थी। बिग बॉस 13 में ही आसिम रियाज ने अपने प्यार का इजहार किया था और साथ ही हिमांशी खुराना ने भी इसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही हिमांशी ने इनके साथ ब्रेकअप कर लिया और वो ये श्योर नहीं थी और फिर बाद में उन्होंने इस रिश्ते को कबूल किया। शो खत्म हो गया। घर से बाहर आने के बाद इनका रिश्ता पहले की तरह कायम रहा, पर 2023 में अचानक इनका ब्रेकअप हो गया। बताया जाता है कि दोनों के बीच धर्म को लेकर आपसी मतभेद होते थे, जिसके बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई। साथ ही हिमांशी खुराना ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा था कि इस जनरेशन को निमरा अहमद की ये लाइनें समझनी चाहिए, किसी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ लफ्जों से आपका जहनी सुकून छीन सके। वहीं हिमांशी खुराना ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि मैं अपनी कहानी का खुलासा करने के लिए तैयार हूँ। हिमांशी खुराना की इस पोस्ट से कयास लगाया जा रहा है कि शायद हिमांशी खुराना अपने ब्रेकअप से जुड़ी कुछ बातें कहें। बता दें, दिसंबर 2023 में मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका ब्रेकअप हो चुका था। अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आसिम रियाज का खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 से बाहर होना किस कदर उभर के सामने आता है। प्लीज कमेंट सेशन में आप अपनी राय आसिम रियाज से रिलेटेड जरूर दें और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।